हेलो दोस्तों, नमस्कार। ये देखिए प्लांट दोस्तों, जो हम होटल में गए थे आप लोगों को ये प्लांट दिखाए थे, वही प्लांट है। जो वॉचमैन है वो मेरे हस्बैंड के दोस्त हैं, उनका बेटा हमारे दुकान पे पहले काम कर रहा था। तो ये प्लांट उनका जो आंधी आया तो गिर गया, गमला फूट गया, और प्लांट को जो वॉचमैन हैं उनके साहब कह रहे थे कि इसको फेंक दीजिए। तो वो क्या काम किए, वो बोरी में भर के कल हमको लाके दे दिए। सीमेंट का बोरी था, उसी में पूरा प्लांट डाल के नीचे का जो है, देखिए पूरा जड़ जो है नीचे दिख रहा है। तो वही ला के दिए, कहें कि हम सोचे कि आप लगा लेंगी, तो हम इसी तरह से इसी गमले में उनसे कह दिए कि खड़ा कर दीजिए। और बोल रहे थे इसको अलग अलग करने के लिए, इसमें इतना काटा है कैसे हम अलग अलग करें। तो कल से ये प्लांट पानी डाल दिए हैं, गमले में नीचे छेदा भी है, तो आज भी पानी, इसको ज़्यादा पानी तो चाहिए नहीं। लेकिन प्लांट देखिए इतना हरा भरा है, आंधी जिस दिन आए, चार पाँच दिन से ये प्लांट निकल के जैसे गिर गया था उनके यहाँ, तो दो दिन वो रखे थे, तो कल लेके आए शाम को। अब इसमें फ्लावरिंग बहुत अच्छे से हुई है, और देखिए ये सब फ्लावर पहले के हैं, ख़राब हो गए हैं। इन लोगों को सोच रहे हैं काट के निकाल दें, तो नया नया देखिए कल ही निकला है, तो फ्लावर और अच्छा अच्छा खिलेगा। देखिए सब पुराना पुराना फ्लावर है सब। वही सोचिए, उनका तो बेटा फेंकवा रहा था, लेकिन अब जो वो लोग थे वॉचमैन थे, वो सोचिए अब ये लगाती हैं, तो वो हमारे घर बेचारे साइकिल से लेके आए थे भदोही से, सोच लीजिए। और आज हमको मेरे हस्बैंड बीज लाए हैं दोस्तों। ये हम जा रहे थे वहाँ, अपने बेटी के यहाँ जा रहे थे इलाहाबाद, तो देखे थे एक लोग के बर्तन के दुकान पे, वो प्लास्टिक का सब सामान बेचती हैं। देखिए इसमें बीज बन रहा है, एक फ्लावर देखिए, ये एक बार ये वाला जो है प्लांट, हमारे बगल में एक लड़की रहती है, वो लाई थी अपने सहेली के यहाँ से, तो इतना ज़्यादा इसमें फ्लावर खिल रहा था गुलाबी गुलाबी, तो मैं तो एकदम हैरान हो गई थी। मैं तो फिर उसको उखाड़ दे, उसके बाद हम उसे लगाया नहीं। और फिर इसी प्लांट के लिए हम बहुत परेशान थे बहुत दिन से। ये पीला वाला फूल है, नारंगी कलर का, हल्का नारंगी। इसमें देखिए कली लिया है और इस समय बीज बन रहा है, तो हम डंडी मांग लिए क्योंकि बहुत ज़्यादा छछड़ा था जमीन तक, और बीज गए हैं तो बीज तोड़ के वो लाए थे। देखिए ये बीज है, इतना बीज है, बीज से मेरा प्लांट भी तैयार हो जाएगा। वही हम इसको सोच रहे हैं कि देखिए जो एक प्लांट लवर होता है उसके पास, अगर वो हमें तो रात दिन हमेशा प्लांट के बारे में ही मैं सोचती हूँ दोस्तों। मैं अपने मायके गई थी अपनी मम्मी को पहुँचाने, जो हम बन गए थे दर्शन करने, तो मम्मी भी मेरी गई थी संग। तो मेरी जो बीच वाली भाभी है वो लगाई थी चमेली का प्लांट, मम्मी से अपने पूछी तो मम्मी मेरी कही थी, मैं तो उखाड़ दी, लेकिन वो लगाई हैं, है उनके पास। तो शाम का समय एकदम रात का हो गया, तो नहीं तो हम लाते, तो वैसे कोई जाएगा तो हम कटिंग मंगा लेंगे। तो देखिए मेरे पास इतना बड़ा प्लांट आ गया, कल से हम इसको जब रात में सो के उठते हैं देखते हैं दोस्तों फ्लावर इसका, तो मुझे बहुत खुशी होती है। छत पे जाएंगे तो छत का प्लांट देखेंगे, अब ये तो नीचे ही, अब इतना बड़ा प्लांट कौन ऊपर लेके जाए। अब देखिए इसको हम सोच रहे हैं यहीं पे इसको शिफ्ट कर दें किनारे किनारे, जैसे कि कपड़ा वपड़ा हाथ में बांध के, तो इस प्लांट को नीचे रखेंगे, फिर उसके बाद इसमें नीचे खाद वाद रख के मिट्टी उट्टी डाल के तब इसी में इसको शिफ्ट करने के लिए सोच रहे हैं। वो तो बोल रहे थे कि इसको अलग कर दीजिए दो भाग में, और उसके बाद ऊपर से कह रहे हैं छटैया करने के लिए। तो ये इतना कटीला प्लांट है मेरा, तो एकदम हम कैसे करेंगे, हमें बहुत तो लग रहा है कि काटा वाटा धस वस न जाए। चलिए देखिए इसका क्या करते हैं, आप लोग बताइएगा कि हम किस तरह से इसको रिपोर्टिंग करें, क्या करें, अलग अलग करें कि इसको छटैया कर दें, आप लोग हमें बताइएगा दोस्तों। बहुत बड़ा प्लांट है, अब तो मेरे घर में आ ही गया है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, नमस्कार। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब करिएगा, बताइएगा मेरा ये प्लांट इतना बड़ा कैसा है आप लोगों को कमेंट में।